ओके, अगर दूसरा एक ये एग्जांपल है फॉर द सेम अल्फा बीटा प्रूनिंग, अगेन फॉर द गोइंग फॉर द शॉर्टकट. सो अगर ये मैक्स में मैक्स प्लेयर है, दैट मीन्स अगेन आई व्हाट आई हैव टू चूज इज कि यहाँ से जो है मैक्स नंबर ऑफ मैक्स वैल्यू निकालनी है, यहाँ मिन एंड यहाँ मैक्स. इफ आई सी 4 एंड 3, दैट मीन्स कि मुझे मैक्स वैल्यू जो आती है वो इट सपोज 4 आ रही है. नाउ दिस इज़ अ पेरेंट नोड ऑफ दीज एंड दीज टू चाइल्ड नोड्स. अगर ये वैल्यू 4 आई है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों चाइल्ड नोड्स में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो या तो ये होगी या ये होगी. अगर ये 4 है एंड ये 4 सपोज x है, तो इन दोनों का अगर मिनिमम कहूँ तो मैं ये कहूँ कि लेस देन इक्वल्स टू 4 ही होना चाहिए, या तो 4 आना चाहिए, या उससे कोई कम वैल्यू अगर इस नोड की आती है तो वो यहाँ पहुँच जाएगी. दैट मीन्स ईदर मिनिमम कैन बी 4 और ईदर द मिनिमम कैन बी लेस देन 4 अगर यहाँ पे कोई 4 से कम वाली वैल्यू आती है तो. ओनली दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 4 अगर ये वैल्यू है. सो यहाँ जब मैं सर्च करती हूँ फॉर सपोज आई कंसिडर 6, यहाँ पे इन दो चाइल्ड नोड्स की मैक्सिमम वैल्यू आनी है. अगर 6 को मैंने ट्रिवर्स कर लिया है तो ये जो वैल्यू है ये 6 से बड़ी होनी चाहिए तभी ये यहाँ आ सकती है, वरना 6 ही रहेगा मैक्सिमम. दैट मीन्स द मैक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 बिकॉज व्हेन आई सर्च दिस 6 नोड, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इन दोनों का मैक्सिमम जो है वो या तो 6 हो सकता है या उससे अगर कोई बड़ी वैल्यू सेकंड चाइल्ड नोड की है तो वो हो सकती है. दैट इज वाई केप ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6. नाउ कंसिडर दिस केस, यहाँ वैल्यू 6 या 6 से ग्रेटर, दैट मीन 6, 7, 8, 9, 10 व्हाट्स एवर आ सकती है, एंड यहाँ पे मुझे वैल्यू चाहिए 4 या 4 से कम. सो दिस इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट बिकॉज यहाँ 6 से ग्रेटर वैल्यू है, यहाँ 4 से कम चाहिए. दैट मीन्स आई डू नॉट नीड टू सर्च दिस नोड बिकॉज अगर ये नोड मैं सर्च कर भी लूँ तो ये अगर 6 से बड़ी होगी तो यहाँ आ जाएगी, अगर 6 से बड़ी नहीं होगी तो 6 ही रहेगा. और मेरा ये कंसर्न नहीं है बिकॉज मुझे 4 या 4 से कम कोई वैल्यू चाहिए. दैट इज़ वाई आई इरेडिकेट दिस पॉइंट एंड मैं इसको सर्च नहीं करती हूँ. ठीक है, सो नाउ माई फाइनल आंसर हैज़ बीन 4 बिकॉज मैंने 4 एंड ग्रेटर इक्वल्स टू 6 देखा तो मिनिमम जो आता है वो 4 आ गया. नाउ व्हेन आई पास दिस 4 टू द पेरेंट नोड, नाउ दिस मीन्स कि इन तीनों चाइल्ड नोड्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो या तो 4 होगी या 4 से ग्रेटर ही होगी. बिकॉज इफ दिस वन नोड इज 4, द अदर इज x एंड y, तो इन तीनों का जो मैक्स होगा वो या तो 4 होगा या 4 से कोई ग्रेटर इन दोनों में से किसी एक के पास आ गई तो वो हो जाएगा. नाउ लेट्स सी ओवर हियर, यहाँ पे अगर मैं आती हूँ तो आई गो ओवर हियर एंड मुझे मैक्स चूज करना है, तो मैंने 2 एंड 1 का चूज़ किया विद द मैक्स इज 2. ठीक है, सो नाउ दिस मीन्स कि इस नोड के लिए, पेरेंट नोड के लिए, इन तीनों चाइल्ड नोड्स की अगर कोई मिनिमम वैल्यू होगी तो वो या तो 2 होगी या 2 से कोई कम ही होगी. दैट मीन्स ये और ये जो है ये 2 से अगर कम हुई तो वो यहाँ इसकी जगह ले लेंगे, वरना 2 ही मिनिमम है इन तीनों में से. ठीक है, दैट इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2. नाउ फोकस, दिस नोड इज़ बेसिकली फाइंडिंग 2 और लेस देन इक्वल्स टू 2 आंसर एज आंसर, और इसके पेरेंट नोड को चाहिए 4 या 4 से कोई बड़ी वैल्यू. तो दिस डायरेक्टली मीन्स कि अगर इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 ही होनी है एंड मुझे 4 या 4 से बड़ी चाहिए, दिस इज अगेन अ कॉन्ट्रोडिक्टिंग स्टेटमेंट. एंड दिस मीन्स कि मुझे इन दोनों चाइल्ड नोड्स फर्दर, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4 नोड्स को सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज अगर मैं सर्च कर भी लूँ तो मिनिमम 2 या 2 से कम ही रहेगा और मुझे यहाँ पे चाहिए 4 या 4 से बड़ी वैल्यू. सो आई डायरेक्टली इरेडिकेट दिस, दिस इज द प्रूनिंग स्टेप. नाउ आई विल मूव ओवर हियर, तो 5 एंड 4 जो है उसका मैक्स आ गया विच इज़ 5. सो दिस बेसिकली टेल्स मी कि जो मिनिमम होगा वो 5 होगा या 5 से कम होगा. ठीक है, यहाँ 5 या 5 से कम होगा एंड मुझे वैल्यू चाहिए 4 या 4 से ज़्यादा. सो आई स्टिल नीड टू सर्च इट बिकॉज क्या पता कि मुझे कोई बहुत बेहतर वैल्यू मिल जाए, 5 मिल जाए, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू 5 है. दैट मीन्स इट कैन बी ईदर 5 और इट कैन बी लेस देन 5. सो इट कैन बी ईदर 5, सो दैट इज़ व्हाई आई कीप ऑन सर्चिंग. ठीक है, आई कीप ऑन सर्चिंग एंड देन व्हाट आई सी इज कि यहाँ पर मुझे 7 मिलता है. दैट मीन्स कि इस नोड की जो वैल्यू है वो 7 या 7 से बड़ी होगी बिकॉज इज फाइंडिंग द मैक्स ऑफ दिस टू. तो इफ 7 इज द फर्स्ट चाइल्ड नोड विच आई ट्रैवर्स, देन आई डिड्यूस दैट ईदर द सेकंड चाइल्ड नोड विल बी ग्रेटर देन ग्रेटर देन 7 या मेरा जो मैक्स है वो 7 ही रहेगा. तो दैट मीन्स कि 7 मेरा मैक्स आएगा या 7 से कोई बड़ा चाइल्ड नोड होगा तो वो आ जाएगा. एंड मुझे यहाँ पे चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 5 की वैल्यू. दैट मीन्स इट्स अगेन अ कॉन्ट्रोडिक्टिंग स्टेटमेंट बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू है इन दोनों में से जो मिनिमम है वो आनी है. दैट मीन्स अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 वैल्यू आ रही है, 7, 8, 9, 10 व्हाट्स एवर, एंड यहाँ पे 5 है, तो ऑब्वियसली मिनिमम क्या होगा, ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा. तो आई डू नॉट नीड टू सर्च दिस एंड आई डायरेक्टली से कि ये जो आंसर है ये लेस देन इक्वल्स टू 5 नहीं बल्कि 5 ही हो गया है बिकॉज ये 5 था और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 था, तो मिनिमम जो होगा वो 5 होगा एंड इसको मुझे सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं.
तो 5 लेस देन इक्वल टू 2 एंड 4 मैक्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी 5 जो कि यहाँ से आया. एंड अगर हम मिन मैक्स से इसको पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो भी आंसर जरूर तौर पे आएगा, वो 5 ही आएगा. सो दिस इज हाउ द शॉर्टकट इज डन फॉर द अल्फा बीटा प्रूनिंग प्रॉब्लम. नाउ एग्जैक्टली हाउ द एल्गोरिथम वर्क्स, बिकॉज ये जो शॉर्टकट है ये मैं इसलिए करवाती हूँ बिकॉज पेपर में जब भी सवाल आता है तो एल्गोरिथमिक वाइज चलें तो काफ़ी लंबा हो जाता है कभी कभार. एंड इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में दे आर क्वाइट लेंदी, मतलब इस तरह ये नहीं होता सिर्फ कि यू नो हियर फॉर एग्जांपल दे आर 6 ट्रायल नोट्स. तो यूजली जैसे मिड टर्म या फाइनल में एग्जाम का क्वेश्चन आता है तो यूजली जो लीफ नोट्स होते हैं वो 12, 15, 16 इस तरह के हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं. तो एल्गोरिथमिक वाइज चलें तो कभी कभार बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है. टू अगर टाइम कम हो आपके पास तो ये शॉर्टकट जो है आपको जल्दी आंसर पे पहुंचा देता है. एग्ज़ाम में जो मेरी रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आप बेसिकली एटलीस्ट ये चीज़ें दिखा सकें जो प्रूनिंग की है, ये वैल्यूज़ जैसे मैंने यहाँ पे की हैं, ये वैल्यूज़ आपको शो करनी चाहिए. ये नहीं कि आप डायरेक्टली ये वैल्यूज़ को किए बनाए बस ये कट लगा के मुझे दे दें. मुझे एटलीस्ट पता होना चाहिए कि यहाँ तक आप कैसे पहुँचे, वैल्यू क्या आई जिसकी वजह से आपने ये कट कर दिया एंड सो ऑन. तो ये शॉर्टकट भी एक चलता है. एंड एल्गोरिथमिक वाइज अप्रोच है वो डिफरेंट अप्रोच है बिकॉज देर आर सम पीपल हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द शॉर्टकट प्रॉपर्ली, मतलब दे आर नॉट एबल टू एनालाइज द शॉर्टकट प्रॉपर्ली कि यार किसको कट करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए. तो एल्गोरिथमिक ऑप्शन इज द मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन यू कैन से, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द शॉर्टकट देन यू कैन गो फॉर द एल्गोरिथमिक अप्रोच. एल्गोरिथमिक अप्रोच में वही करना है काम जो मैंने अल्फा बीटा मैक्स बेस्ट वैल्यू की जो टर्म समझाई थी वो बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए बिकॉज अगर वो क्लियर नहीं है तो गलती हो सकती है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस अल्फा बीटा. दिस इज फॉर एवरी अदर नोड एंड आई सेड कि इनिशियलाइज जो हम करते हैं अल्फा को वो मैंने बताया था कि हम लोग माइनस इन्फिनिटी से करते हैं एंड बीटा जो है उसको हम इनिशियलाइज करते हैं इन्फिनिटी से. देन वी हैव द बेस्ट वैल्यू एंड हमारा ब्रेकिंग पॉइंट जो कंडीशन है वो बीटा लेस देन इक्वल टू अल्फा है. सो कीप दिस थिंग इन माइंड एंड देन गो फॉर दिस एग्जाम्पल. सो इनिशियलाइज जो हमने किया वो अल्फा को माइनस इन्फिनिटी, बीटा को इन्फिनिटी से. तो मैंने स्टार्ट विद दिस नोड, ऑब्वियसली आई हैव द 3 चाइल्ड नोड्स तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकती हूँ. आई विल ट्रैवर्स ओवर हियर, जब ये आंसर रिटर्न करेगा फिर ये इसको कॉल करेगा, फिर ये आंसर रिटर्न करेगा फिर ये इसको कॉल करेगा एंड देन तीनों का आंसर मिलाकर ये आंसर आपको डिड्यूस करेगा. दैट इज लाइक रिकर्सिवली ये कॉल कर रहा है. सो फर्स्ट कॉल दिस वन एंड इनिशियली जैसे मैंने बताया कि इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी है तो इसने पहले इसको सर्च किया 3. नाउ एज आई सेड कि मिनिमम नोट्स के जो मिनी प्लेयर्स होते हैं उनके लिए बीटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर एंड जो मैक्स नोट्स होते हैं उनके लिए अल्फा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर. तो मेन है तो इसके लिए बीटा बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिडर करने के लिए. बीटा इनिशियलाइज हुआ हुआ था इन्फिनिटी से तो अब उसको कैसे हम कंसिडर करेंगे. नाउ बीटा इज बेसिकली फॉर द मिन प्लेयर. सो बीटा जो अपडेट होगा वो इस तरह होगा कि मिनिमम ऑफ जो इनिशियलाइज वैल्यू है उसकी एंड जो अभी आपने पढ़ी है. ठीक है, दिस इज फॉर एग्जाम्पल टेक दिस ए बी सी एंड डी. तो बी के लिए जो बीटा है दैट इज मिनिमम ऑफ द इनिशियलाइज्ड वैल्यू राइट नाउ, जो वैल्यू है बीटा की एंड जो आपने अभी पढ़ी है विच टर्न्स आउट टू बी एज 3. तो बीटा क्या हो गया 3. देन व्हेन यू रिटर्न 3 ओवर हियर तो फिर ये अपना नेक्स्ट चाइल्ड नोड को कॉल करता है एंड फिर अगेन बीटा कैलकुलेट होता है विच सेज मिनिमम ऑफ जो अभी अपडेटेड वैल्यू हो चुकी है बीटा की विच इज 3 एंड जो आपने अभी पढ़ा है 12. सो मिनिमम इज अगेन 3, इट रिमेन्स 3. ठीक है, देन रीच द अदर चाइल्ड नोड थर्ड चाइल्ड नोड एंड बीटा वापस कैलकुलेट होता है विच इज मिनिमम ऑफ जो राइट नाउ उसकी वैल्यू है 3 एंड जो उसने पढ़ा है 8. सो बीटा इक्वल्स टू 3. ठीक है, सो इसने तीनों चाइल्ड नोड्स पढ़ी हैं. जब तीनों चाइल्ड नोड्स पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग बीटा वैल्यू जो आई है वो 3 आई है. एंड अब बेस्ट वैल्यू क्या है? बेस्ट वैल्यू वो है जो ये अपने पेरेंट्स को रिटर्न करेगा बिकॉज इट्स नॉट रिटर्निंग बीटा वैल्यू, इट्स बेसिकली रिटर्निंग द बेस्ट वैल्यू. बीटा हम कैलकुलेट करते हैं लेकिन बीटा हम रिटर्न नहीं करते, हम बेसिकली पेरेंट नोड को अपनी बेस्ट वैल्यू रिटर्न करते हैं. तो वह बेस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, बेस्ट वैल्यू इक्वल्स टू जितने उसने ट्रायल नोड्स को ट्रिवर्स किया उसके अकॉर्डिंग उसकी बेस्ट वैल्यू क्या है. बी मिनिमम प्लेयर है एंड उसने 3 चाइल्ड नोड्स तीनों को ट्रिवर्स किया, कोई भी प्रून नहीं हुआ है. जब कोई भी प्रून नहीं हुआ तो इन तीनों चाइल्ड नोड्स के अकॉर्डिंग बेस्ट वैल्यू क्या है फॉर बी? मिनिमम ऑफ 3, 12, 8 इज 3. सो इट्स रिटर्निंग 3 टू ए. नाउ एग्जैक्टली हाउ ए वर्क्स इज ए बेसिकली क्या है? मैक्स है. दैट मीन्स उसके लिए जो मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो है अल्फा. सो अल्फा कैसे कैलकुलेट होगा? अल्फा विल बी मैक्स
बिकॉज ये मैक्स प्लेयर है. सो मैक्स ऑफ जो उसकी इनिशियलाइज वैल्यू है विच इज माइनस इन्फिनिटी, एंड जो उसको वैल्यू रिटर्न की गई है विच इज 3. सो द मैक्स इज 3 एज ऑब्वियस. तो अल्फा की वैल्यू हो चुकी है अभी 3 राइट नाउ, लाइक टेम्पररली यू कैन से 3 हो चुकी है. ठीक है, नाउ व्हाट इट डज इज इट कॉल द नेक्स्ट चाइल्ड नोड ऑफ हिज इज विच इज सी, एंड वो ये जो वैल्यू इसने अपनी कैलकुलेट किया है ये अपनी पास ऑन करता है कि मैंने जो अब तक वैल्यू कैलकुलेट की हैं वो ये हैं. तो उसने जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट की है विच इज 3. सो नाउ फोकस केयरफुली कि जो चाइल्ड नोड्स हैं वो पेरेंट नोड को बेस्ट वैल्यू रिटर्न करते हैं, एंड जो पेरेंट नोड हैं वो अपनी कोई भी अगर अल्फा वैल्यू उसने कैलकुलेट किया, बीटा वैल्यू कैलकुलेट किया, वो वैल्यू रिटर्न कर देता है अपने चाइल्ड नोड को. लुक केयरफुली, चाइल्ड नोड ने पेरेंट नोड को बेस्ट वैल्यू रिटर्न करता, इट डजंट रिटर्न इट्स अल्फा बीटा वैल्यू. पेरेंट नोड अपने नेक्स्ट चाइल्ड नोड्स को जो है वो वैल्यू वेरिएबल के साथ देता है कि मेरी अपडेटेड वैल्यू ये है, इसको कंसिडर करो. इसका अल्फा 3 है तो उसने अपने चाइल्ड नोड को बता दिया कि अल्फा की वैल्यू फिलहाल जो अपडेटेड हो गई है वो 3 हो गई है. इनिशियली सी की अल्फा वैल्यू वही थी जो बाकी सबकी थी विच वॉज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सॉरी इन्फिनिटी. तो उसने सिर्फ उसको अपडेट कर दिया है कि अब उसने 3 कर दिया. नाउ अगर हम सी पर आते हैं तो फॉर सी इफ़ यू फोकस तो सी का बीटा कंसिडर करना चाहिए बिकॉज मिन है. सो मिन का जो होता है वो बीटा कंसिडर होता है. इफ यू लुक केयरफुली फॉर बीटा विच इज मिनिमम एंड बीटा इनिशियलाइज इज विद इन्फिनिटी बिकॉज अल्फा तो माइनस इन्फिनिटी था लेकिन उसके पेरेंट नोड ने उसको अपडेट कर दिया, लेकिन बीटा इज स्टिल सेम एज इन्फिनिटी. तो मिनिमम ऑफ अल्फा एंड जिसका चाइल्ड नोड है विच इज 2. सो बीटा बिकम्स मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी एंड 2 इज 2. एंड व्हेन आई राइट दिस लुक केयरफुली कि क्या कंडीशन आ गई है. दिस वॉज द ब्रेकिंग पॉइंट कंडीशन. बीटा इज लेस देन इक्वल्स टू अल्फा. सो ब्रेक बीटा इज लेस देन अल्फा, दैट मीन्स आई शुड ब्रेक ऑफ माई कंडीशन. एंड ब्रेक ऑफ कंडीशन का मतलब ये है कि पेरेंट नोड अपने नेक्स्ट चाइल्ड नोड्स को ट्रिवर्स नहीं करे, जो भी आगे बचे हैं वो अपना यहीं से आंसर रिटर्न कर दे ए को एज इट्स बेस्ट वैल्यू. बिकॉज चाइल्ड नोड्स क्या रिटर्न करते हैं, बेस्ट वैल्यू. तो वो अपनी बेस्ट वैल्यू रिटर्न कर दे अपने पेरेंट नोड को, उसको आगे अपने चाइल्ड नोड्स को ट्रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है. सो उसने अपने चाइल्ड नोड्स को ट्रिवर्स नहीं किया है एंड उसने जो बेस्ट वैल्यू रिटर्न की है, क्योंकि उसने सिर्फ एक चाइल्ड नोड ट्रिवर्स किया, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम क्या है 2, तो उसने वो आंसर रिटर्न कर दिया है. नाउ व्हेन द बेस्ट वैल्यू इज रिटर्न, अगेन ए ने क्या करना होता है जिस तरह यहाँ पे किया था, तो उसका अल्फा अपडेट देखते हैं कि होता है कि नहीं होता. उसका अल्फा था 3 एंड उसको रिटर्न की गई है वैल्यू 2. तो अल्फा इज स्टिल मैक्स ऑफ 3 एंड 2 इज 3. सो इट्स अगेन 3. अगेन द पेरेंट नोड विल सेंड इट्स अपडेटेड अल्फा बीटा वैल्यूज टू चाइल्ड नोड. तो उसने अपनी अपडेटेड वैल्यू सेंड कर दी अल्फा की 3 टू द चाइल्ड नोड. नाउ व्हाट डज डी डू इज डी प्लेयर जो है वो मिनिमम है एंड मिनिमम जो होते हैं वो सिंपली यही चेक करते हैं कि आपकी बीटा वैल्यू की क्या कंसिडरेशन है. तो अगेन डी यही करेगा बीटा इक्वल्स टू मिनिमम इनिशियलाइज्ड विद इन्फिनिटी एंड चेक करेगा 14. तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 14. देन फर्दर अप जब इसने 14 देखा है, अभी भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, सो अगेन इट चेक्स द नेक्स्ट चाइल्ड नोड. तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी मिनिमम ऑफ अपडेटेड वैल्यू विच इज़ 14 एंड 5. सो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 5 विच इज़ 5. अगेन बीटा इज़ नॉट लेस देन इक्वल्स टू अल्फा. सो बीटा अब नेक्स्ट चाइल्ड नोड देखेगा, फिलवक है 5 एंड अपने नेक्स्ट चाइल्ड नोड को देखता है 2. सो बीटा इक्वल्स टू 2. अगेन इट इज़ अपडेटेड टूवर्ड्स 2. सो नाउ we are done with the child nodes and alpha is less than beta is less than equals to alpha. So we break and answer return kar dega. Isne tino nodes ko dekha hai to inke according iski best value kya hai, minimum of 14, 5 and 2, which is best value is 2. Now what this will do is a hamesha kya karta tha jab bhi best value return hoti thi wo alpha ko dekhta tha and wo kehta tha max jo ki uski value hai with the best value return again is 3. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर. एंड हमारे मिन मैक्स से एंड अल्फा बीटा प्रूनिंग से भी जो हमने शॉर्टकट मारा था उससे भी यही आया था एंड एल्गोरिथमिक वाइज भी
यही आंसर आ गया है. दिस इज़ हाउ द इंटायर प्रोसेस इज डन. वट आई सजेस्ट इज कि इस वीडियो को लाइक एक के बाद एक दफ़ा देखो, फिर वापस देखो लाइक खुद से प्रैक्टिस करके, सो दैट एग्जैक्टली नो हाउ द वैल्यूज आर चेंज, विच वैल्यू इज गिवन टू द पेरेंट नोड, विच वैल्यू इज सेंट फ्रॉम द पेरेंट नोड, ताकि हम लोगों को समझ आए कि तीन टर्म्स क्या हैं, अल्फा बीटा बेस्ट वैल्यू, ये तीन टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. देन एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट वो कंसिडर होनी चाहिए कि आप मेन प्लेयर को देख रहे हो तो आपने उसका बीटा कंसिडर करना है, एंड मिनिमम ऑफ अपडेटेड वैल्यू जो पढ़ रहे हो वो चेक करना है. अगर आप मैक्स प्लेयर को देख रहे हो तो अल्फा वैल्यू देखनी है, एंड मैक्स ऑफ जो अपडेटेड वैल्यू एंड जो नोड पढ़ रहे हो वो देखना है. चाइल्ड नोड पेरेंट नोड को बेस्ट वैल्यू रिटर्न करते हैं, एंड पेरेंट नोड अपने चाइल्ड नोड्स को हमेशा जो उनकी अपडेटेड अल्फा बीटा वैल्यूज होती हैं वो पास ऑन करते हैं कि हमारा अल्फा बीटा वैल्यू अब ये है. तो अब देखो ब्रेकिंग पॉइंट कंडीशन याद होना चाहिए कि अगर बीटा लेस देन इक्वल टू अल्फा होता है तो जस्ट ब्रेक ऑफ. दैट मीन्स कि यहाँ पे जैसे बीटा लेस देन इक्वल टू अल्फा हो गया था तो हमने इन दोनों चाइल्ड नोड्स को नहीं देखा, एंड ये ब्रेक ऑफ एंड सेंड द बेस्ट वैल्यू, क्योंकि हमने एक ही पढ़ा था तो मिनिमम ऑफ एक ही नोड इज टू, तो उसने बेस्ट वैल्यू रिटर्न कर दी. यहाँ पे उसने तीनों देखा तो बेस्ट वैल्यू उसने टू रिटर्न की, यहाँ पे उसने तीनों देखा तो बेस्ट वैल्यू उसने थ्री रिटर्न की. सो डिफरेंस पता होना चाहिए कि अल्फा बीटा एंड बेस्ट वैल्यू में फ़र्क है, एंड दिस इज हाउ द इंटायर एल्गोरिथम इज कैरिड ऑफ. बट आई सजेस्ट इज आई एम ऑल्सो बी अपलोडिंग के जो सेकेंड एग्जाम्पल है जो थोड़ी लंबी थी वो कैसे एल्गोरिथमिक वाइज हो रही है. बट वट आई सजेस्ट इज कि फर्स्ट ये जो पहली एग्जाम्पल है वो खुद से करो, एंड देन ये सेकेंड एग्जाम्पल भी खुद से करने की कोशिश करो, एंड जब हो जाए या गिव अप कर दो तब जाके नेक्स्ट वीडियो देखो टू एनालाइज के हाउ दिस क्वेश्चन इज डन प्रॉपरली, टू अंडरस्टैंड के वट हाउ द वैल्यू इज अपडेटेड.